क्यों प्रदीप पांडे चिंटू नहीं करना चाहते हैं शादी। जी हाँ, भोजपुरी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू, अब भाई भोजपुरी में एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भाई इनकी हर साल भले ही 2 से 3 फिल्में आए, लेकिन दर्शकों को इन 2 से 3 फिल्मों में कोई ना कोई फिल्म इनकी अच्छी लग जाती है और ये लाइमलाइट में बने रहते हैं। खैर, दूसरी लाइमलाइट में इनके बने रहने की मेन वजह है खेसारी लाल यादव। इनकी खेसारी लाल यादव से नहीं पटती, लेकिन हाँ, बात जब हीरोइनों की आती है तो भाई हीरोइनों के मामले में इनसे किसी से खटपट नहीं है। बीच में ये सुर्खियों में थे अपने और रानी चटर्जी के अफेयर को लेकर, जो सो कॉल था या नहीं था कभी ये क्लियर हुआ ही नहीं। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे, बात आज मुद्दा दूसरा है तो हम मुद्दों को कहीं और नहीं ले जाएंगे। वैसे ये सुर्खियों में इसलिए भी थे कि भाई ये पवन सिंह के साथ काम क्यों नहीं करते, तो इसके लिए इन्होंने क्लियरिफिकेशन दी कि जब भी कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि करियर के शुरुआती दिनों में तो मैंने उनके साथ काफ़ी फिल्में की हैं, वो रहे हों निरहुआ रहे हों। हाँ, लेकिन खेसारी लाल यादव पर ये टिप्पणी बिल्कुल करना नहीं चाहते। खैर, क्योंकि शायद ये भी जानते हैं कि बेवजह का विवाद होगा, मैं कुछ बोलूँगा तो खेसारी लाल यादव की तरफ से रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। खैर, फिर हम बातों को उलझा रहे हैं, लेकिन अब हम बातों को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अब भाई हम आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार हुए हैं वो सुपरस्टार तभी बने हैं जब उनकी शादी हो गई है। तो भाई यहाँ प्रदीप पांडे चिंटू की अभी शादी नहीं हुई है और वो सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल होने के लिए। भाई वो किसके साथ शादी करेंगे, अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है और भाई किसके साथ शादी करने वाले हैं हर कोई जानना चाहता है। ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अफवाहें ऐसी उड़ के आ रही है कि अपने मम्मी पापा की मर्जी से ही वो शादी करेंगे और वो लड़की बिहार की रहने वाली है। अब भाई प्रदीप पांडे चिंटू ने कभी इस पर आके क्लियरिफिकेशन नहीं दी है। अगर उनसे कभी ये सवालात भी पूछे गए हैं तो वो उनका कहना है जब होना है तब हो जाएगी। अब यहाँ पर उनके फैंस हैं कि ये जानना चाहते हैं भाई उनके चिंटू भैया घर कब बसा रहे हैं। अब भाई अगर प्रदीप पांडे चिंटू के अफेयर्स की बात करें तो उनका नाम कभी गार्गी पंडित यानी प्रियंका पंडित के साथ भी जुड़ चुका है, और तो और अब उनका नाम उन्हीं की को स्टार अक्षरा सिंह से भी जुड़ रहा है। लोग कह रहे हैं पवन सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रदीप पांडे चिंटू अक्षरा सिंह के लिए वरदान बनकर आए हैं। अब भाई यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि अब अक्षरा सिंह को किसी भी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पॉपुलैरिटी की, तो भाई यहाँ प्रदीप पांडे चिंटू से कम पॉपुलर अक्षरा सिंह नहीं है। हाँ, अब इनके जो अफेयर्स की खबरें हैं उस पर हम पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते, भाई हम कौन होते हैं पुष्टि करने वाले। हाँ, ये लोग क्या कहेंगे वो बाद में देखना होगा, लेकिन भाई हर कोई जानना चाहता है कि प्रदीप पांडे चिंटू शादी कब करेंगे। अब भाई प्रदीप पांडे चिंटू भोजपुरी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, तो हर कोई पूछना चाहेगा कि भाई उनका ये स्टार कब शादी करके सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात तय कर देते हैं, प्रदीप पांडे चिंटू शादी करेंगे तो अपने मम्मी पापा के मर्जी से ही, क्योंकि इसका ऐलान उन्होंने बहुत समय पहले कर दिया था और रिसेंट टाइम में अगर उनके बैकग्राउंड पे नज़र डाले तो ऐसा लगता भी है। वैसे भाई संस्कारी मुंडा है, इसके लिए तो प्रदीप पांडे चिंटू के इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।